फर्स्ट टाइम इन इंडिया और जेडेड में आता है ना ये वो बूफर है, पहले ये लगा है बट उतना खास नहीं था। ये पूरा कस्टमाइज कर दिया गया भाई यहाँ पर, और ये फर्स्ट टाइम बेसिकली रहने वाले जेन्युइन चाहिए जेन्युइन, आफ्टर मार्केट चाहिए आफ्टर मार्केट। अंदर तरफ भी पूरी डैम्पिंग से एरिया पूरा कवर कर चुके हैं, ठीक है भाई। इंच अभी तक किसी ने नहीं लगा रखा। अच्छा लगा, आपने देख लिया होगा, आपको लग रहा है आफ्टर मार्केट है ये। तो हेलो दोस्तों, मेरा स्वागत है आपके ऑटोमोबाइल व्लॉग्स में, लगन दास भाई स्कॉर्पियो में। नया कंटेंट आपके लिए मिलने वाला है फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, फर्स्ट स्कॉर्पियो में अपना बूफर इंस्टॉल करने वाले हैं, बैक एंड में कंपनी की जो जगह आती है उसी के अंदर। तो आपको हर एक चीज दिखाने वाला हूँ, कैसे कुछ कस्टमाइज कर रहे हैं, कैसे कुछ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कटिंग सिस्टम होता है या फिर नहीं होता अगर आप आफ्टर मार्केट काम करवाओगे, तो वो भी आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा। स्पीकर्स में क्या कुछ अपग्रेड आप कर सकते हो, सारे वेरिएंट स्पीकर्स के इस वीडियो के अंदर दिखा दूंगा, आप कितने से स्टार्टिंग हुए थे, कितने पे अपनी एंड होती है, और ऐसा कुछ काम करना आपको विजिट करना है करोल बाग में, अपनी शॉप दिखा दूं भाई। तो ये है अपनी शॉप ऑटोमैजिक कार डेकोर, अपने हिमांशु भाई इधर भाई एक बार। तो स्कॉर्पियो मैन इस वाले की वीडियो हम अलग से पहले स्पेसिफिक डाल चुके हैं वैसे, हाँ, क्योंकि इसमें ना भैया के उस टाइम व्हील कवर्स नहीं लगे हुए थे, भैया को व्हील कवर्स कस्टमाइज चाहिए थे, कस्टमाइज यहाँ पर व्हील कवर्स करे गए भाई, ये कस्टमाइज किए गए पियानो ब्लैक पे रेड थी, ठीक है। तो ये भैया की डिमांड थी कि मेरे को अलग से कुछ चाहिए, तो क्या कुछ अपग्रेड कर रहे हो भाई इसके अंदर बता दो। आज जो काम हो रहा है बेसिक सिस्टम का ही काम है, सिस्टम का काम है। तो दिखा दे थोड़ा अंदर से लुक, अभी तक भाई ने मतलब पूरा आज ना चीर फाड़ कर दिया भाई, देख लो भाई, मतलब स्कॉर्पियो एन वाले को ना हार्ट अटैक आ जाए ये चीज देख के कि भाई क्या कर दिया गाड़ी के साथ। तो भाई आपको दिखाते हैं क्या कुछ इसके अंदर अपग्रेड कर रहे हैं, सबसे मेन चीज अपना तहलका आज मचने वाला भाई इस चीज के अंदर। तो भाई क्या कुछ इंस्टॉल करा है बता दो एक बार। 12 इंची बूफर, वो भी स्टॉक जगह पे, स्टॉक जगह पे कंपनी लगा के देती है जेडेड में भाई। ये मतलब ये अलग से पूरा कस्टमाइज करा है इसके अंदर, ये हम खुद बनवाया अपना, ये पूरा वुडन वाला पार्ट जो है ये अपना पूरा अलग से एक शीट इसके अंदर इंस्टॉल करी गई है ये वाली। तो भाई ये मतलब ऐसे क्यों इंस्टॉल करी, रीजन क्या था इसका इंस्टॉल करने का, ये बताना एक बार भाई। इनको इसी जगह पे चाहिए था, तो हमने पहले ओरिजिनल जो हमारा जेडेट वाला आता है भाई बूफर भी दिखाया देगा वाला, भाई देख लो ये है अपना जेन्युइन जो आता है भाई, जो महिंद्रा जेन्युइन से जेडेट एल जेडेट में आता है ना ये वो बूफर है, ये है अपना जेन्युइन बूफर, जो अगर ऑप्शन चाहिए हो तो आप ये भी इंस्टॉल करा सकते हो, लेकिन भैया को चाहिए थे अलग कुछ। हाँ पहले यही लगाया भैया को, यही चाहिए था, तो पहले ये लगाया बट उतना खास नहीं था, जिस हिसाब से इसका रेट है 9.5-10 हजार पर रेट है इसका, उस हिसाब से मतलब आवाज नहीं थी, बेस नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हमने अपना खुद कस्टमाइज किया इसको, ये पूरा कस्टमाइज कर दिया गया भाई यहाँ पर, और ये फर्स्ट टाइम बेसिकली रहने वाले जिसके अंदर इंस्टॉल करा स्कॉर्पियो एन, फर्स्ट स्कॉर्पियो एन जिसके अंदर ये कस्टमाइज करके बूफर इंस्टॉल कर रहा है। जेन्युइन चाहिए जेन्युइन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन भाई जैसे बता रहे हैं कि वर्थफुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई। सबसे मेन चीज अपने कस्टमर्स की होती है, ऑडियंस की होती है भाई, कटिंग सिस्टम कुछ होगा या फिर नहीं होगा, कोई कटिंग सिस्टम नहीं है, सारा हमारा प्रॉपर वायर डलता है, ये बूफर का वायर आगे एम पे जुड़ जाएगा, बाकी जो भी है वायरिंग सारा कपड़ा टू कपड़ा ही होता है। और सबसे मेन चीज भाई अलग से कोई वायरिंग ना आपको दिख नहीं रही होगी, पूरी टक कर दी है अच्छे तरीके से, मतलब कि लगे ना कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर। तो भाई ये वारंटी वॉइड होने वाला सिस्टम मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई भी वारंटी पे इफेक्ट नहीं आएगा भाई, वारंटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जेन्युइन चाहिए जेन्युइन, आफ्टर मार्केट चाहिए आफ्टर मार्केट, दोनों वेरिएंट्स आपके लिए आज वीडियो के अंदर लेके आ चुके हैं। स्पीकर्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं फिर नहीं, स्पीकर में भी नहीं करने हैं, एम से चलाने वही स्टॉक स्पीकर, ठीक है स्टॉक स्पीकर देखते हैं, ठीक है आपको स्पीकर्स दिखाते हैं एक बार, कैसे कुछ कंपनी है स्टॉक स्पीकर्स आते हैं। तो अपनी डैम्पिंग का प्रोसेस में कंप्लीट कर रखा था हमने पहले से ही, पैरामेट डुअल लेयर, ठीक है ठीक है। और ये है अपने कंपनी स्टॉक स्पीकर्स जो इसके अंदर आते हैं, हम इन्फिनिटी का ट्विटर्स डाल दें, ट्विटर अलग से प्राइमस सीरीज, ठीक है वो इसके अंदर अलग से इंस्टॉल कर जाएगा, प्लस एम पे अपने चारों इंस्टॉल कर दिया जाएगा, कपलर टू कपलर है, इसमें भी कोई कटिंग सिस्टम नहीं है एक परसेंट। तो भाई देख लो कपलर टू कपलर सीन सारा पूरा इसके अंदर भी कर रखा है। सो भाई यहाँ पर ये है अपना एम, तो कोई फॉर्मूला का 4 चैनल एम पे 4 स्पीकर और 1 बूफर चलाने के लिए चल जाएगा, इसके ऊपर आवाज मिलेगी भाई, आवाज मिलेगी। देखो भाई आपको दिखा देंगे कंपनी स्टॉक स्पीकर्स में कितनी आवाज आ सकती है, प्लस बूफर इंस्टॉल कर दिया ना तो बेस तो बढ़िया आ जाएगी मेरे हिसाब से, बढ़िया आ जाएगी आवाज भी पहले से, मतलब एम्प लगने के बाद 20-40% इंक्रीज भाई। इस वीडियो के अंदर ना आपको स्पीकर्स के ऑप्शंस भी दिखा दूंगा, अगर आप स्पीकर्स अपग्रेड करना चाहो तो भाई कौन कौन से कर सकते हैं, वीडियो के अंदर डाल देंगे एक बार क्लिप, और उसमें आपको प्राइसिंग की थोड़ी सी बात कर लेंगे भाई, कितने प्राइसिंग में कौन से स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो भाई देख लो अंदर तरफ भी पूरी डैम्पिंग से एरिया पूरा कवर कर चुके हैं,
तो पूरा बॉक्स मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा पूरा सराउंडिंग साउंड आने वाला इसके साथ तो पूरी बिल्कुल। और पूरा भी जेवेद का बॉक्स इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। साउंड आउटपुट एंड में सुनाने वाला हूँ। K4 एम्बियंस लाइट, सीट कवर, सब कुछ पहले इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा था और सारा काम हमारा भाई ऑटोमेटिक कार डेकोर पे। तो किसी भाई को जेनुइन चाहिए जेनुइन ही मिल जाएगा, ऐसे कस्टमाइज करवाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। बड़े सारे वेरियंट्स आपको स्पीकर के भी ऑन काउंटर मिलने वाले हैं। सो भाई वीडियो के इन बिटवीन मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ क्या कुछ आप अपग्रेड कर सकते हो स्पीकर के अंदर। भाई इस गाड़ी के अंदर तो हम बूफर में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्पीकर्स में अपग्रेड करना हो क्या ऑप्शंस मिलने वाले अपने ऑडियंस के लिए? बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, फोकल, इन्फिनिटी, अल्पाइन, रॉकफोर्ड, डीडी ऑडियो, मैक्सिमो, मोरेल, जो चाहिए सब मिल जाएंगे। और बाकी एज पर कस्टमर डिमांड की भाई मेरे पास स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट चाहिए वो भी भाई अवेलेबल कर दोगे? हो जाएगा। ठीक है भाई, मोटा मोटा स्टार्टिंग कितने से हो जाती है स्पीकर? अगर हम नॉर्मल लगाते हैं तो 2200-2500 से अच्छी वाली स्पीकर पायनियर सोनी में स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है भाई, देखो हम बूफर इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन भैया ने स्पीकर्स अपग्रेड नहीं करवाए हैं। मेरे हिसाब से स्पीकर्स अपग्रेड करवाते तो और ज्यादा आवाज इनहेंस हो जाती। ठीक है, बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको आवाज सुनाई दूंगा कैसी आवाज उसमें मिल रही है। भाई बात करें बूफर ऐसा कुछ कस्टमाइज करवाना हो तो मोटा मोटा कितना कुछ खर्चा आ जाता है? ऐसे बूफर और एम का खर्चा यही 12,000-15,000 के समथिंग में आ जाता है। ठीक है भाई, 12,000-15,000 रुपए में ऐसा कुछ कस्टमाइज बूफर आपके में लग जाएगा। बाकी इनक्लोजर वाला चाहिए वो भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। कोई अदर बूफर चाहिए तो भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, और ये बता दो ऐसा कुछ प्रीमियम क्वालिटी वर्क करवाना तो कहाँ आना है? ऑटो मैजिक कार डेकोर करोलबाग। ठीक है भाई, ऑटो मैजिक कार डेकोर करोलबाग में लोकेशन मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूंगा, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है, भाई को डिटेल्स लेनी है कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी अपने मोटा मोटा 1500-2000 रुपए स्टार्टिंग मिल जाती है स्पीकर्स की। एज पर क्वालिटी जैसे आपको जाना हो आप उसकी तरफ डील कर सकते हो। बाकी चलते गाड़ी तरफ, आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूं। तो भाई फाइनली यहां पर अपनी कार का काम हो चुका है कंप्लीट। पहली बात तो भाई ये जम्मू कश्मीर, सॉरी तो जम्मू, पहले भी सारा काम मैंने इस गाड़ी दिखा रखा है लेकिन ओवरव्यू मैं आपको इस गाड़ी का फिर से दिखा देता हूं। कोई भी सोच रहा हो काम करने क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं तो भाई क्या कुछ अपग्रेड कर रहा है? फॉग लाइट महिंद्रा जेन्युइन जेड डिटेल वाली। ठीक है, हेडलाइट में एलईडी है 130 वाट मिसिगन ऑन कर देना भाई एक बार। तो यहाँ पर अपने पास लो बीम और हाई बीम दोनों के अंदर एलईडी सेटअप मिल रहा है। कंपनी से मिलता है अपने हैलोजन बल्ब। सबसे पहले फॉग लाइट ऑफ कर दो भाई एक बार, देख लो भाई पार्किंग ऑन है, फॉग लाइट ऑफ है, ऑन करना भाई फॉग लाइट। तो यह ओनली अपने फॉग लाइट का रिस्पॉन्स। अब हेडलाइट ऑन करना भाई, तो यह है अपना लो बीम, हाई बीम, तो ये अपना हाई बीम। तो मेरे हिसाब से नाइट ड्राइव बहुत इजी इसके बाद आपके लिए रहने वाली है अगर आप ये अपग्रेड कर रहे हो तो। साइड फेस में भाई बात कर ले, साइड फेस में बम्पर प्रोटेक्टर महिंद्रा जेन्युइन है। ओके, व्हील कैप पियानो ब्लैक किया गया इनका ही। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट सिंपली ये अपना जो आता था कंपनी से वही वाला है लेकिन उसको डिप पेंट करके दो कलर्स में कन्वर्ट कर रखा है, ब्लैक एंड रेड के अंदर थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंस्टॉल करा गया है भाई। अगर बात करें 700 खड़ी है तो काम चल रही है उसमें, अपना इंटीरियर का काम कर रहे हैं, इंटीरियर और सीट कवर हो रहा है और दो चार आइटम और है। ठीक है, तो कोई बात हो 700 में काम कराने के लिए तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो क्योंकि भाई ये दोनों भाई ना महिंद्रा एक्सपर्ट यहाँ पर बन चुके हैं भाई। ठीक है, साइड फेस में भैया ने स्टिकरिंग करवा रखी थी, ये भैया खुद लगा है। हाँ, ये पूरा अपने पास भी अवेलेबल है, हमने वीडियो में दिखा भी रखा। हाँ, ये वाला पूरा स्टिकर महिंद्रा जेन्युइन रहता भाई, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है। ठीक है, फुटरेस्ट यहाँ पर पहले इंस्टॉल करा गया था, फुटरेस्ट ये ब्लैक वाली पहले किया था, इससे पहले वाली में। हाँ, पहले डोर वाइजर्स पुराने लोग आने से अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है अपना, चाहिए नहीं। ठीक है, हैंडल क्रोम इंस्टॉल करा गया, ये हैंडल क्रोम आज लगा है, आफ्टर मार्केट है ये। जिन भाई को मिरर चाहिए ऑटो फोल्ड वाला वो भी अवेलेबल अपने पास। ठीक है, ऑटो फोल्डिंग मिरर चाहिए, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स भी आपको यहाँ पर सिंपली एक काउंटर पे ही मिलने वाले हैं। ग्लास क्रोम। ठीक है, तो मतलब फ्रंट में नहीं करा, बस बैक बैक में कर रखा है। ठीक है भाई, को अगर ये शीशा चेंज करवाना है तो पूरा शीशा भी अपने पास अवेलेबल है, शीशा भी अवेलेबल मिल जाएगा। बैक एंड में बात कर ले अपने क्रोम लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, मिल जाएगा स्किट प्लेट, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे भाई। इस गाड़ी में सबसे मेन चीज जो करी गई है तो भाई अभी तो दिखेगी नहीं मेरे हिसाब से, एक लटाना भाई सीट एक बार, तो भाई सीट लटा के आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है। तो भाई ये देख लो, थोड़ी सी झलक ले लो भाई इसके अंदर आपको आप दिख रहा है, देखो ये वाला भाई, ये वाला पार्ट सिंपली है अपने बूफर का। तो भाई क्या कुछ इंस्टॉल करा है इसके अंदर? JBL का 1500 वाट बूफर 12 इंच में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और XUV 700 और N दोनों में लगते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, 12 इंच अभी तक किसी ने नहीं लगा रखा है, अब तक भाई किसी ने नहीं लगाया था, फर्स्ट टाइम लगा दे भाई ऑटोमेटिक कार डेकोर ने, है ना भाई? बिल्कुल। चलो भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको ओवरऑल साउंड आउटपुट सुनाऊंगा और क्या कुछ अपग्रेड करा वो दिखाते एक बार। भाई कार में एंटर कर चुके, सबसे पहले मेन चीज अपनी प्रीमियम लुक जो देती है वो है अपनी एम्बिएंट लाइट, ग्लाइडर K4 सीरीज। तो K4 में सिंपली आपके मूविंग कलर्स ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, और मेरी फ्लैश जल रही है, जब भी इतनी अच्छी खासी क्वालिटी आपको लाइटिंग के
देखने में मिल रही है। तो प्रीमियम लाइट सेटअप जिसको बोलते हैं वो यहाँ इंस्टॉल करा गया, ठीक है। सीट कवर्स पहले से इंस्टॉल कर रखे थे भाई, पहले लगे थे, लेकिन भाई देख लो अभी तक 1% आपको कमी पेशी नहीं मिलेगी। टक टू टक फिट कराया गया था, बकेट फिटिंग का प्रोसीजर, हेडरेस्ट की फिटिंग देख लो, प्लस चेन सिस्टम मिलने वाला, कहीं एलफी सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते, नहीं इस समय गाड़ी में प्रीमियम कार में एलफी सिस्टम सही नहीं होता है। हाँ भाई, तो ये हम प्रेफर करते नहीं, प्रीमियम या छोटी गाड़ी कोई भी लेके आ रहा है आपको हेडरेस्ट में चेन ही सिस्टम मिलेगा। यहाँ सॉफ्ट टच करा गया, सॉफ्ट टच किया गया, ठीक है भाई। ये पार्ट सॉफ्ट टच करा गया था, दरवाजे में करना हो गया, हो जाता है। दरवाजे में अगर आपको इंटीरियर करवाना हो, बहुत गाड़ी में दिखा रखा मैंने आपको, इंटीरियर करवा सकते हो। नीचे अपनी यहाँ पर ये मैट्स इंस्टॉल थे, प्लस स्कॉर्पियो की स्कफ प्लेट जो अपनी स्टील वाली रहती है, ठीक है। ज़िगज़ैग स्टीयरिंग रैप भाई, अगर बात करें यहाँ पर ये क्या ऑपरेट करा आज, ये इन्फिनिटी प्राइमस सीरीज का ट्विटर, ठीक है भाई, ट्विटर यहाँ पर इंस्टॉल करे गए अपने पास। भाई ट्विटर सैश का भी ऑप्शन रहता है, वैसे सैश का भी ऑप्शन था, बट ये सही लग रहा है, ट्विटर सैश से अच्छा ये लग रहा है, ठीक है भाई। वैसे किसी भी अगर ट्विटर सैश चाहिए हो, ट्विटर सैश भी आप इंस्टॉल करवा सकते हो, अपना महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट रहता है, ठीक है। स्पीकर में कोई चेंजेस करे गए भाई, स्पीकर इनका स्टॉक है वही एम से चलाया है, बाकी जिन भाई को अगर स्पीकर अपग्रेड कराना है तो अभी अपने पास अवेलेबल है, बाकी इस वीडियो के बीच में दिखा भी दूंगा, ठीक है भाई। इस वीडियो के बीच में आपको एक क्लिप दे देंगे भाई पूरे जो मैंने आपको दिखा दी होगी, कि जिसमें आपको साउंड सेटअप अपग्रेड करना था, क्या क्या अपग्रेड करा सकते हो, कौन कौन से स्पीकर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आपको मेरे हिसाब से स्टॉक स्पीकर अपग्रेड करते मेरे से और ज्यादा आवाज मिल सकती थी, लेकिन इनको उतना ज्यादा आवाज नहीं चाहिए था, हल्का बेस चाहिए था, तो बूफर लगा दिया, और इनको डिक्की में एसपीएस भी नहीं घिरवाना था, ठीक है, इसलिए हमने साइड में सेटअप बनाया। तो कोई बात हो, स्कॉर्पियन में बूफर लगवाने के लिए ये वो बेस्ट जगह मेरे हिसाब से रहने वाली है ना, बेस्ट जगह। तो आवाज चलते भाई, आवाज की तरफ, आपको एक बार आवाज सुना देते, साउंड सुना देते एक बार, कैसे कुछ क्वालिटी से मिल रही है भाई। अगर ये बता दो ऐसा कुछ बूफर वूफर इंस्टॉल करना कितना कुछ टाइम लग जाता है भैया? इसमें तो टाइम लग जाता है 3 से 4 घंटे, मतलब नॉर्मल सेटअप से डबल टाइम लग जाता है इसमें। हाँ देखो भाई, क्योंकि वो पीछे पूरा अलग से कस्टमाइज करवाना पड़ता है, फिर उसका बॉक्स बनता है, डैम्प होता है, मतलब टाइम अच्छा खासा लग जाता। लेकिन भाई देख लो, हमने डोर्स हमने डैम्प कर रखे थे, प्लस अपना जहाँ पर वो बूफर इंस्टॉल करा ना, वहाँ पर भी हमने अलग से डैम्पिंग इंस्टॉल करी गई है। और इसमें क्या है, जो हम बूफर लगाते हैं पेटी बना के, चाहे नॉर्मल शॉर्ट सेटअप के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, जगह है, हमारा जगह भी नहीं घिरता, और बेस उतना उससे अच्छी आ जाती है, ठीक है, बॉक्स बना के लगाते हैं, ठीक है भाई। एक बार यहाँ पर आवाज सुनाया तो कमेंट में बताना भाई कैसे उसमें मिल रही है। तो भाई एक बार, और भाई अगर आपको एंजॉय करना है साउंड आउटपुट, तो एक बार अपनी ईयरफोन्स ले लो और बैठ जाओ और ये आवाज सुनो, और बताना भाई मेरे कमेंट में कैसी कुछ आवाज उसमें मिल रही है। भाई मतलब गाड़ी ना कर दी भाई बढ़िया रेडी, मतलब अभी तो स्टॉक स्पीकर्स है, स्टॉक स्पीकर्स में इतनी बढ़िया आवाज आ रही है, और बूफर लगने के बाद मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हम Z4 में बैठे हैं। हाँ। Z8 क्या इसके आगे फेल है भाई, देख लो भाई ने पहले कंपनी वाला बूफर लगवा रहे थे, भैया को मजा नहीं आया बिल्कुल, मतलब उससे अच्छा हम अगर स्पीकर जितने का हमारा बूफर है ना, उतने में अगर हम स्पीकर अपग्रेड करवा लेना आगे आगे के दो, तो उससे अच्छी आवाज आ जाए। देख लो भाई अभी स्पीकर अपने स्टॉक स्पीकर है, अगर आप इसके अंदर और ज्यादा अपग्रेड करा लोगे मेरे हिसाब से तहलका मच जाएगा भाई, आवाज साउंड आउटपुट बहुत बढ़िया मिलने वाला, सारा काम हुआ भाई ऑटोमैटिक कार डेकोर पे। तो कोई भाई सोच रहा हो यहाँ पर काम कराने के लिए, तो बेस्ट रहने वाला भाई, बढ़िया काम दोगे, कटिंग सिस्टम कोई करा तो नहीं करा, ये सारे भैया खड़े हैं और खड़े होकर काम करवाए, 1% कोई ये कटिंग सिस्टम, ठीक है भाई। भैया कैसे चलते हैं उनसे बोले सारे, मतलब साउंड सेटअप उनको कैसा लगा। सो भाई यहाँ पर अपने प्राउड ओनर सेकंड बार अपनी वीडियो में आ चुकी है, सो भैया कैसा लगी आवाज भाई? काम तो एकदम बढ़िया, अच्छा लगा, आपने देख लिया होगा, आपको लग रहा है आफ्टर मार्केट है ये भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा, और आवाज मतलब बहुत बढ़िया लग रही है मेरे हिसाब से। अभी स्पीकर्स में अपग्रेडेशन नहीं करी गई है, जब इतनी बढ़िया आवाज मिल रही है, अगर अपग्रेड कर लिया तो और तहलका मच जाएगा भाई। अब नेक्स्ट टाइम इन भैया का Z2 दिखाऊंगा, Z2 भैया के पास है, हम तो कह रहे थे भैया Z2 लेके आते हैं, फर्स्ट टाइम Z2 हम ही दिखाएंगे भाई यहाँ पर, ऑटोमेटिक कार डेकोर पे बढ़िया काम दोगे सबको भाई, जैसे चलो ठीक है भैया, 10 में से रेटिंग देनी हो भाई को कुछ, 10 में से 10, आवाज को 10 में 10, चलो ठीक है ऐसे करते एक बार।